बुरहानपुर और नेपानगर विधानसभा चुनाव के मतगणना को लेकर प्रशासन की पूर्ण तैयारी हो चुकी है, जिसे लेकर कलेक्टर और एसपी सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने किया स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा है कि सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद सीआरपीएफ और एसएफ के दल पूर्ण निगरानी कर रहे हैं। वहीं कलेक्टर भव्या मित्तल ने भी व्यवस्थाओं को देखा और कहा व्यवस्थाएं माकूल हो चुकी है, अब केवल 3 दिसंबर का इंतजार है। यहां 18 टेबल लगाकर अब 20 राउंड में ही काउंटिंग समाप्त करेंगे ताकि जल्दी से जल्द परिणाम दे सके, जिसके लिए हमारी टीम तैयार हो सके। स्ट्रॉन्ग रूम है, उसकी बहुत ही पुख्ता व्यवस्था है। 3 लेयर के अंदर ये व्यवस्था लगाई गई है। आउटर लेयर में हमारे जिला पुलिस बल के TIs रैंक के ऑफिसर है, जो राउंड द क्लॉक आउटर लेयर की सिक्योरिटी कर रहे हैं। मिडिल लेयर के अंदर हमारा स्टेट आर्मर्ड फोर्स SAF का फोर्स लगा हुआ है, जो कि राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी कर रहा है। और जो मेन स्ट्रॉन्ग रूम और अंदर का पार्ट है, उसमें CRPF की कंपनी हमारी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कर रही है। तीनों जगह हम लोगों ने आने जाने वालों के एंट्रीज और टाइमिंग्स वगैरह का प्रॉपर उसमें इंद्राज होता है। CCTV से पूरा का पूरा हर चीज़ की मॉनिटर हो रही है। वायरलेस सेट लगा हुआ है और राउंड द क्लॉक SP कलेक्टर और बाकी के जितने भी हमारे राजपत्रित अधिकारी लगातार सिक्योरिटी को चेक कर रहे हैं। बहुत ही पुख्ता व्यवस्था है। और जिस दिन काउंटिंग की व्यवस्था, उसमें भी अलग अलग रूम्स के अलावा आउटर सिक्योरिटी, इनर सिक्योरिटी, सिटी की सिक्योरिटी, ये सारे पार्ट्स में हम बहुत ही पुख्ता व्यवस्था लगाएंगे, जिससे शांतिपूर्ण मतदान के पश्चात काउंटिंग और रिजल्ट्स में भी बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न करा। सर, अभी कितना बल होगा और उस दिन कितना बल होगा? नहीं, अभी तो बाहर भी हमारे कम से कम 25 लोग लगे हुए हैं, बीच के अंदर भी हमारा जो SAF के वहाँ पर कम से कम 20 लोगों की व्यवस्था है, और अंदर पूरी और जो CRPF की आधी कंपनी राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी कर रही है। हमारे जो डाइट के स्ट्रांग रूम है, उसमें दोनों विधानसभा की मशीनें हैं, तो उसके निरीक्षण के लिए एवं काउंटिंग हॉल की व्यवस्था के लिए मैं और एसपी साहब आज यहाँ आए थे। और काउंटिंग हॉल में हमने अभी एक